वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं रोहिणी वंस अगेन आज आपके लिए अगेन एक और मस्त वीडियो लेके आई हूँ। बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी कुछ डेली एसेंशियल्स जो मैं हमेशा मेरे मंथली परचेज में होता है, और उसमें कुछ एक हाथ दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। सो ऑल द मोस्ट लाइक मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो के दो पार्ट्स बना लूंगी अभी, बिकॉज एक्चुअली मेरी और कुछ एसेंशियल्स मैंने खरीदी हैं वो अभी मैं लेके नहीं बैठी हूँ, तो सोचा मैं आपके साथ बाद में वो शेयर करूँ पार्ट टू में। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने झटपट वन डे डिलीवरी में मंगाई थी अमेजोन से, क्योंकि आज अभी नो दैट 31st and 1st वी आर सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर, सो वी आर गोइंग आउट। सो अकॉर्डिंगली मेरे पास कुछ चीजें खत्म हो गई थी एक्चुअली, जो हमारे डेली एसेंशियल्स में आते हैं वो चीजें खत्म हो गई थी। एंड मेरी मुझे जाना था तो थोड़े से क्लोथिंग्स एक्सेसरीज वगैरह भी मुझे लेने थे, सो मैंने वो लिए अकॉर्डिंगली। मेरी मुझे ये चीजों की जरूरत थी सो मैंने ये लिए। मैंने सोचा कि आपके साथ वो शेयर कर दूं, इसलिए झटपट छोटा सा वीडियो बनाना चाहती हूँ। उसके साथ साथ अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, तो इसी तरीके के छोटे मोटे ऐसे वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। आपको अगर देखना पसंद है, मुझसे गपशप लड़ाना पसंद है, मेरी बातें सुनना पसंद है, तो आप जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, सॉरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिकॉज मैं हर छोटी चीज आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर छोटी चीज आपके साथ शेयर करूँ तो मेरी और आपकी लाइफ एक जैसी है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं यूट्यूब वीडियोज बना रही हूँ तो बहुत ज्यादा कुछ अलग लाइफ है मेरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल लाइफ होती है जिसमें मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करती हूँ जो एक नॉर्मल इंसान को लगती है। तो यस, बहुत बकवास हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और साथ ही में शेयर करना, बिकॉज बहुत सारी एसेंशियल चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो लिंक भी नीचे दे दी है, तो आप चेकआउट जरूर कर देना। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मैं 31st को जा रही हूँ बाहर, सो मैंने एक टॉप खरीदा है। एक्चुअली मुझे लगा था कि ये मरून कलर में आएगा या फिर रेड कलर में आएगा, सो मैंने ये टॉप खरीदा जो हाईनेक है। तो हाईनेक के टॉप जो होते हैं ना पैंट्स के साथ जीन्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये इस तरीके के यहाँ से टॉप है। तो ये एक्चुअली मुझे आया है पिंक कलर में, रानी पिंक और लाइट पिंक के बीच का कलर है, बीच का शेड है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड पिंक में। और इस तरीके के फ्लावर्स हैं इसमें, यहाँ पे ना जिगजैग वाला पैटर्न है यहाँ पे गले में, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड स्लीव थोड़ी सी पफी स्लीव है विद दिस काइंड ऑफ पैटर्न। सो ये मुझे ऑलमोस्ट कुछ 200 या 300 के अराउंड मिला है, 200-300 के अराउंड। सो मैंने ये एक टॉप खरीदा, साथ ही में मैंने एक पैंट ग्रीन कलर की खरीदी थी एंड मरून कलर की खरीदी थी। आई थिंक ग्रीन कलर की पैंट का मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है। सो एक मरून कलर की पैंट एक और मैंने अमेजोन से खरीदी है, इसके नीचे ग्रीन जाएगा, तो लास्ट वीडियो में मैंने ग्रीन शेयर किया है। एंड ये है बर्गंडी कलर, वाइन कलर भी बोल सकते हैं, मरून नहीं है, बर्गंडी या फिर वाइन कलर बोल सकते हैं, जिसका मैंने एक और कलर लिया जिसके ऊपर आप यू नो ग्रीन कलर का टॉप या फिर कोई भी लाइट कलर का टॉप आप खरीद ले सकते हो। मैंने मीशो से भी कुछ शॉपिंग की है, उसके बारे में मैं आपसे अलग से वीडियो में बात करूंगी। तो ये एक पैंट थी, ये फ्री साइज पैंट थी ऑलमोस्ट। इसका जो साइज है मैं हमेशा थोड़ा सा एक साइज बड़ा लेती हूँ, एक दो साइज बड़ा लेती हूँ, जिससे क्या होता है ना फ्रीली बैठती है। सो मैंने ये लिया है डबल एक्सेल में, जितना जाओ स्ट्रेच हो सकता है। और क्यों मैं एक साइज बड़ा लेती हूँ, क्योंकि इलास्टिक हर एक का सेम होता है, बट नीचे का जो लेंथ होता है ना वो थोड़ा कम्फी रहता है अगर आप थोड़ा सा बड़ा साइज लो। मैं हमेशा अपने ड्रेसेस में एक साइज बड़ा लेती हूँ, जिससे पैंट्स कंफर्टेबली बैठते हैं, ऊपर वाला हम लोग फिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने खरीदा है ये तीन का सेट, तीन का कॉम्बो, जो है सेट वेट का डिओड्रेंट फॉर माई हस्बैंड, जिसमें सेट वेट डिओड्रेंट है चार्म अवतार, स्वैग अवतार एंड कूल अवतार। ये लास्ट टाइम भी मैंने खरीदे थे, तो ये मेरा रीपर्चेस है। इसका फ्रेग्रेंस एक्चुअली अच्छा है, बहुत देर तक टिकता है। सो एंड इसका एक्चुअली इसका जो फ्रेग्रेंस है वो ऐसा है ना कि इवन इफ यू वांट एज अ लेडी आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो कभी कभी बीच में। तो ये एक था। देन उसके बाद मैंने अपने लिए ये सीक्रेट मिनीज खरीदे हैं, सीक्रेट मिनी डियोज। जैसे मैंने बोला कि मैं अभी जाने वाली हूँ तो मुझे डियोज चाहिए थे, एंड डेली लाइफ के लिए भी मुझे रोज लगता है, वी मेक वीडियोज बाहर जाती हैं, कहीं पे कुछ भी होता है, सो मुझे लगते हैं ना एंड टू लुक गुड आई फील डियोज वगैरह हमें लगाना चाहिए। सो ये छोटा पैक है, फ्री 25% इसमें लिखा हुआ है, एंड इसकी जो क्वांटिटी है 50 ml है, बट स्टिल बहुत ऑलमोस्ट फिर भी मेरे हाथ के हिसाब से आप देख सकते हैं बड़ा है। सो ठीक है, ये आई थिंक कुछ 200-250 तक मुझे मिला है, 250 में 4। सो इसमें पिंक है, एक पैशन करके है, एक लवेंडर रोमांस करके है,
एंड सीक्रेट मुझे कुछ तो भी हो गया एक्चुअली, वो खड्डे वो स्क्रैचिंग हो गई ना, एंड मिस्ट्री करके है. सो मिस्ट्री का स्मेल फ्रेग्रेंस एक्चुअली अच्छा है इसका. सो इसका भी मैंने एक्चुअली इसको मैंने कल ट्राई किया था, बहुत देर तक रहता है. सो इवन आई लाइक दिस. एंड यू नो अभी थोड़ा सा ट्रैवलिंग करेंगे, थोड़ा सा पसीना वगैरह आता है, तो उस टाइप पे यू नीड दीज काइंड ऑफ डीओ मिनीज जो आपके पैक में भी अच्छे से रह जाते हैं, एंड ट्रैवल के टाइम पे एज अ फ्रेग्रेंस का भी काम करते हैं, मतलब परफ्यूम का भी काम करते हैं, डीओ का भी काम करते हैं, तो एक्चुअली बेस्ट है. देन मेरी रोज की हमेशा की शाम की, मैं देख रही थी एक्चुअली, सो हमेशा की रोज की शाम की जो पूजा पाठ है उसके लिए मुझे, मैंने बहुत दिन से अपने कार्ट में ना ये जो सांबरानी धूप है ये डाल के रखा था. मेरी हमेशा की जो पूजा पाठ है उसमें रोज सुबह शाम कप वाला धूप जो है वो हमेशा रहता है. अब ये ना एक्चुअली ओपन पैक नहीं है, अगर मैं आपको दिखा सकती. सो ये इस तरीके के ना कप रहते हैं, अगर इसको मैं ओपन कर, एक ऑलरेडी एक्चुअली ना ये चार का सेट मैंने लिया, ये एक्चुअली 274 रुपीज में आई थिंक सो मुझे ये चार का सेट पड़ा है, जिसमें आई थिंक सो एक में कुछ 10 to 12 पीसेस हैं. हाँ 12 पीसेस हैं. सो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं अभी खोलते नहीं बैठूंगी. सो 12 पीसेस हैं इसमें, एक मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, एक मैंने एक्चुअली किसी को दे दिया उनको पसंद आया तो, एंड तीन दो मेरे पास बचे हैं, एक यूज में है, दो ऑलरेडी बचे हैं, पैक पीस दो है. तो सोचा आपके साथ शेयर करूं. ये नैवेद्य का सांबरानी धूप जो है ये बहुत अच्छा है, एक बार आप लगाओगे आपके घर में फुल सुगंध ही सुगंध, लाइक बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है. सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घर में एक फ्रेशनेस, एक पॉजिटिविटी अगर आपको क्रिएट करनी है आपके घर में, सो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक हम लोग हर कुछ करते हैं यार, फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हम सब कुछ करते हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ से रिलेटेड भी थोड़ा कुछ अच्छा अगर मैं आपको बता दूं तो अच्छी बात है, राइट? क्योंकि पूजा पाठ से भी मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, वीडियोज बनाती हूँ, बट वो हिंदी में नहीं बनाती, वो मराठी में बनाती हूँ. तो मेरा मराठी चैनल है जहाँ पे मैं पूजा पाठ रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ. अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको हिंदी में भी कंटेंट दे दूंगी, बट हिंदी की मुझे एक्चुअली जानकारी इतनी नहीं है. लाइक हिंदी के जो महीने होते हैं वो अलग होते हैं, एंड मराठी के जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं थोड़े से. तो हिंदी की मुझे इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बनाने का कोशिश नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मुझे मेरे महाराष्ट्रियन हिसाब से पता है तो मैं वो बनाती हूँ. इफ यू आर अ महाराष्ट्रियन गो एंड चेक आउट माई चैनल. सो नैवेद्य करके है, नैवेद्य सांबरानी धूप. तो ये था इतना जो मैंने अपने लिए खरीदा, एंड आई थिंक सो हाँ बस इतना था. तो ये जो मैंने है ये खरीदा है अपने लिए एज अ अमेजोन एसेंशियल्स डेली के. तो कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर मुझे बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. इस तरीके की और वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही वीडियोज देखते रहे. मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय.